आयल्स का एग्जाम आप दो तरीकों से दे सकते हैं। पहला पेन पेपर बेस्ड, जिसमें आप अपना लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन के रिस्पॉन्सेज एक पेन या पेंसिल को यूज करते हुए एक पेपर पे लिख के देते हैं। दूसरा है कंप्यूटर डिलीवर्ड, जिसमें आप यही सब सेक्शंस एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने देते हैं। इन दोनों में से मुझे दूसरे वाला थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगा, इसी कारण मैंने पेन पेपर जहां 4 बार दिया है, कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम मैंने 8 बार अटेम्प्ट किया है। हाय, मेरा नाम प्रिंस चहल है और मैं C2IELTS से अपने 12 बार दिए गए एग्जाम्स के एक्सपीरियंस से मैं इस वीडियो में पेन पेपर बेस्ड एग्जाम और कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूं, ताकि आपको ये एग्जाम किस मोड में देना चाहिए ये डिसीजन आप पूरी जानकारी के बेस पे लें, ना कि किसी मिथ्स या र्यूमर्स के बेस पे। शुरू करते हैं वो 3 मोस्ट कॉमन सवालों के साथ जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं CDIELTS को लेके। पहला, कि ये एग्जाम क्रेडिबल है कि नहीं। ये मेरा एक टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म है कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम का, और ये दूसरा है पेन पेपर बेस्ड का। इन दोनों को अगर आप नजदीक से भी देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि कहीं नहीं लिखा कि कौन सा पेन पेपर पे दिया गया है और कौन सा कंप्यूटर डिलीवर्ड पे। इसके साथ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कनाडा में स्टडी कर रहे हैं या फिर वहां पे परमानेंटली सेटल हो चुके हैं कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम देने के बाद। दूसरा, क्या ये आप एग्जाम घर से दे सकते हैं? एक्चुअली लॉकडाउन के पीरियड में IDP और ब्रिटिश काउंसिल ने IELTS इंडिकेटिव एग्जाम निकाला था। ये एग्जाम ड्यूलिंगो की तरह ही घर से दिया जाता था और ऑफर लेटर तक ही सीमित था। लेकिन CDIELTS को आप इन दोनों एग्जाम्स के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। ये एग्जाम पेन पेपर की तरह ही टेस्ट सेंटर में जाके दिया जाता है, और तभी कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन एम्बेसीज इस पे वीजा भी ग्रांट करती हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि क्या आपकी टाइपिंग स्पीड इस एग्जाम को देने के लिए सफिशियंट है या नहीं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने कंप्यूटर पे एक वर्ड प्रोसेसर खोलिए, उसमें एक Task 2 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए। अगर इसी क्वेश्चन को आप पेन पेपर पे 40 मिनट में लिख पाते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे आपको 45 से 50 मिनट भी लग रहे हैं, तब भी आप इजिली CDIELTS पे स्विच कर सकते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और शॉर्टकट्स दूंगा जिनको यूज करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम इन दोनों टेस्ट के 3 और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें फर्स्ट एग्जाम रजिस्ट्रेशन की ऑप्शंस के बारे में है, सेकंड इन दोनों के टेस्ट एनवायरनमेंट के डिफरेंसेस के बारे में है, और देन एग्जाम स्टाइल, प्रैक्टिस मटेरियल और एक कंप्लीटली फ्री मॉक टेस्ट देने के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और वीडियोस फ्यूचर में लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना और इसे शेयर करना प्लीज मत भूलें। और अगर आपका कोई ऐसा सवाल हम इस वीडियो में ना कवर कर पाए तो उसे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। इंडिया में IELTS का एग्जाम देने के लिए आपके पास IDP और ब्रिटिश काउंसिल की ऑप्शंस दोनों पेन पेपर और कंप्यूटर डिलीवर्ड के लिए हैं। जब आप IELTSIDPIndia.com पे जाएंगे तो वहां पे रजिस्टर फॉर टेस्ट में आपको पेन पेपर और कंप्यूटर डिलीवर्ड दोनों की ऑप्शंस दिखाई देंगी। यहां आप एकेडमिक या GT दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। एकेडमिक का एग्जाम स्टडी वीजा के लिए होता है, जहां जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम वर्क या PR के लिए होता है। कंप्यूटर डिलीवर्ड में अगर आप टेस्ट सेंटर्स की लोकेशंस की बात करेंगे तो वो डेफिनेटली पेन पेपर से कुछ कम है, पर जो मेन फायदे की चीजें हैं वो आपको बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद ही पता चलेंगी। जहां GT के स्टूडेंट्स पेन पेपर बेस्ड एग्जाम मंथ में 2 या 3 बार ही दे पाते हैं, वहीं कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम आप किसी भी दिन, इवन की संडेस को भी दे सकते हैं। इसी के साथ पेन पेपर बेस्ड एग्जाम में जो स्लॉट है वो टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी खुद चूज करके देती है, बट कंप्यूटर डिलीवर्ड में आप 9 AM, 1 PM या 5 PM के स्लॉट्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं। कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी 3 से 5 दिनों में आ जाता है, जबकि पेन पेपर बेस्ड में आपको 13 दिन वेट करनी पड़ती है। रीवैल्यूएशन का रिजल्ट भी आधे टाइम में कंप्यूटर डिलीवर्ड में आ जाता है। ये सारी फैसिलिटीज आपको कंप्यूटर डिलीवर्ड में पेन पेपर वाले सेम प्राइस पे ही अवेलेबल है। CDIELTS की मुझे ये सारी ऑप्शंस बहुत फायदेमंद लगती हैं। आप डेट्स की चिंता छोड़ के अपने एग्जाम पे फोकस कर सकते हो, और अगर मेरी तरह आप एक मॉर्निंग पर्सन हो तो 9 AM का एग्जाम देके आप अपनी टेंशन रिलीव कर सकते हो। बाय चांस अगर किसी कारण आपका एग्जाम में आप सफल नहीं हो पाते, तब भी इस सिचुएशन में जहां आप पेन पेपर में 13 दिन अपने रिजल्ट की ही वेट करोगे, वहीं आप CDIELTS में अपना दूसरा अटेम्प्ट भी 13 दिन में दे सकते हो। सबसे मेजर डिफरेंस दोनों टेस्ट के टेस्ट लोकेशन के एनवायरनमेंट में है। इंडिया में
LRW सेक्शन पेपर बेस्ड का मोस्टली एक मैरिज पैलेस में कंडक्ट करवाया जाता है और रिपोर्टिंग टाइम भी स्टूडेंट्स को टेस्ट शुरू होने से एक डेढ़ घंटा पहले का दिया जाता है। वहां पहुंचते ही आपको अपने जैसे कई सौ और स्टूडेंट्स और उनको कंपनी करने वाले दिखेंगे। ओपन वेटिंग एरियाज में आधा पौना घंटा वेट करना और फिर रजिस्ट्रेशन की लाइन्स में खड़ना और फिर अपनी बिलोंगिंग्स एक डेस्क पे पकड़ाने के बाद वो सिक्योरिटी चेक से पास होना। जैसे ही आप बड़े हॉल का पहला व्यू लेंगे तो इतनी भीड़ देख के आपकी स्ट्रेस बढ़ना तो लाजमी है। अगर आप इस सब से डील कर भी लेते हैं तो वो एक नॉर्मल चेयर और डेस्क पे बैठना और अपने आसपास घबराए हुए स्टूडेंट्स को देखना या फिर वो स्टाफ मेंबर्स जो इधर उधर भाग रहे होते हैं और उनकी इंस्ट्रक्शंस पे इतने बड़े हॉल में कंसंट्रेट करना कई बार ही मुश्किल हो जाता है और ये सब आपकी टेंशन को और बढ़ा सकता है। इसके उल्ट CDIs एक डेडिकेटेड टेस्ट सेंटर में कंडक्ट करवाया जाता है जहां यूजली 7 से 8 कैंडिडेट्स ही होते हैं। इसी कारण पेंडेमिक सिचुएशन में इस टेस्ट के कंडक्ट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है और यहाँ रिपोर्टिंग टाइम भी सिर्फ आधे घंटे पहले का होता है। फिर सेपरेट लॉकर्स का होना, रजिस्ट्रेशन में कोई वेट ना होना और कंफर्टेबल वेटिंग रूम जहां प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ज्यादा टेंशन नहीं होने देते। टेस्ट भी एक कंप्यूटर लैब जैसी लोकेशन पे होता है जहां रिवॉल्विंग चेयर्स और एक डेस्कटॉप के साथ नोटपैड भी मिलता है नोट्स बनाने के लिए। एक और बात, इंडिया में पेंडेमिक के चलते हुए फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी जरूरी है। वहां मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ये भी चेक की जाती है। फाइनली मैं तो यही कहना चाहूंगा कि चाहे आप पेन पेपर बेस्ड दें या कंप्यूटर डिलीवर्ड, लेकिन एग्जाम की स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ऐसा ही कोई और फॉर्मूला जरूर सीख के जाएं। नहीं तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की तरह आपका भी आधा एक बैंड ये टेस्ट सेंटर की एंजाइटी के कारण ही कम रह सकता। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। पेन पेपर बेस्ड के लिए अगर आपको जेन्युइन टेस्ट चाहिए तो आप गूगल पे फ्री कैम्ब्रिज आयल्स बुक सर्च कर सकते हैं। CDIELTS के लिए cdiels.gelielts.com पे जाके आप एक फेमिलराइजेशन टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी डिटेल्स को भर के एकेडमिक या GT में से एक सिलेक्ट करके एक कंप्लीटली सेम टू सेम टेस्ट पा सकते हैं जैसा आपके एक्चुअल टेस्ट में भी होगा। CDIELTS के लिए कैम्ब्रिज PDF से प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरह से क्वेश्चंस के लिए एक जगह कैम्ब्रिज की PDF ओपन करके रख सकते हैं, दूसरी जगह आप वर्ड में इस तरह से आंसर्स के लिए एक शीट बना सकते हैं और ऑडियो के लिए आप यूट्यूब का यूज कर सकते हैं। और फिर आप जब क्वेश्चंस का आंसर करना हो तो PDF और आंसर के बीच में स्विच कर सकते हैं। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप PDF को वर्ड में कन्वर्ट करके भी यूज कर सकते हैं। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप कैम्ब्रिज के बाहर किसी प्रैक्टिस टेस्ट को मत सॉल्व करें। इनमें से एक गलत कॉन्सेप्ट सीखना भी आपको अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर से दूर ले जा सकता है। CDIELTS के लिए भी IELTSOnlineTest.com पे डिफिकल्ट टेस्ट जरूर अवेलेबल है, लेकिन ये आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। मैंने 12 बार एग्जाम जरूर दिया है, लेकिन कैम्ब्रिज की वो 25-30 रीडिंग्स के बाहर कुछ सॉल्व नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी रीडिंग को और तरीकों से 6.5 से 8.5 तक इंप्रूव किया है। अगर आप कैम्ब्रिज के वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर भी चुके हैं और दूसरे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो टेक्निक आपको कैम्ब्रिज वाली ही अप्लाई करनी है, जिसे हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ टीच करते हैं। दोनों टेस्ट में सबसे पहले लिसनिंग प्ले की जाती है और टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको एक सैंपल ऑडियो सुनाई जाती है। जहां पेन पेपर बेस्ड में आप वॉल्यूम एक डायलर से कंट्रोल करते हैं, वहीं कंप्यूटर डिलीवर्ड में एक टॉप राइट कॉर्नर में एक बार होता है जिससे आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जहां कुछ कंट्रीज में ये एग्जाम 15,000 से भी ज्यादा कॉस्ट करता है, वहां पेपर बेस्ड के लिए लिसनिंग ओपन स्पीकर से प्ले कर दी जाती है, जबकि CDIELTS में हेडफोन्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। बट थैंक गॉड ऐसा कुछ इंडिया में नहीं है, यहाँ दोनों टेस्ट के लिए हेडफोन्स मिलते हैं। अब पेपर बेस्ड टेस्ट में आपको लिसनिंग में एक कलरफुल आंसर शीट के साथ एक क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है जिसको आप एक इंस्ट्रक्शन के बाद ही ओपन कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर डिलीवर्ड में टेस्ट को स्टार्ट करना आपके अपने हाथ में होता है। दोनों टेस्ट में 4 सेक्शंस और 40 क्वेश्चंस होते हैं और जिस प्रकार कैम्ब्रिज बुक में मेंशन्ड है कि पहले 2 सेक्शंस सोशल नीड्स पे और लास्ट 2 सेक्शंस एजुकेशनल या ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, तो ये कंप्यूटर डिलीवर्ड में भी सेम ही होते हैं। जो आपका पहला सेक्शन होता है वो मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और दूसरे और तीसरे सेक्शन में MCQs, मैप्स या मैचिंग के क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट सेक्शन फिर से फिल इन द ब्लैंक्स का ही होता है।
पेन पेपर बेस्ड में जहां लिसनिंग में लास्ट में 10 मिनट्स मिलते हैं, वहीं सीडी आईएलटीएस में सिर्फ 2 मिनट्स मिलते हैं, क्योंकि यहां पे आपको आंसर्स को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती। चिंता की कोई बात ही नहीं, सीडी आईएलटीएस लिसनिंग में आप रेडियो बटन्स यूज करते हैं और आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे इजिली टैब की यूज करके स्विच कर सकते हैं, तो आपका जो रिस्पॉन्स देने का टाइम है वो कम हो जाता है और आप क्वेश्चंस पे ज्यादा देर फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ये टिक मार्क करने वाले और ये ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले क्वेश्चंस बहुत पसंद है। यहाँ आप पहले सिलेक्ट की गई ऑप्शन को इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं। और ये मुझे क्वेश्चंस मैप्स में खास करके बहुत पसंद है, क्योंकि मैप एरिया के अंदर ही आप एक ऑप्शन को ड्रॉप कर सकते हैं और आपकी कंफ्यूजन कम रहती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स को एक और चिंता रहती है कि पेन पेपर बेस्ड में तो वो अपने पेजेस को आगे फ्लिप करके नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ के उनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन या सर्कल कर लेते हैं, लेकिन क्या वो यही सीडीआईएस में कर सकेंगे कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए क्वेश्चन पैलेट को यूज करके किसी भी क्वेश्चन पे इजीली पहुंच सकते हैं और आपके जो अटेम्प्ट किए गए क्वेश्चंस हैं वो अंडरलाइन करे हुए दिखाई देंगे, जबकि जो क्वेश्चन आप रिव्यू करना चाहते हैं वो सर्कुलर शेप में दिखाई देगा। इसके अलावा आप क्वेश्चन के किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाईलाइट की ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। मैंने खुद और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीडीआईएस लिसनिंग में 9 बैंड स्कोर किए हैं और इसलिए आपको इससे डरने की कोई बात नहीं। दोनों टेस्ट में नेक्स्ट सेक्शन रीडिंग का होता है। यहाँ क्वेश्चन टाइप्स भी दोनों में सेम है, आपको ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग्स, हेडिंग्स, मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर ही सॉल्व करने होते हैं। लेकिन जहां पेपर बेस में स्टूडेंट्स पेज फ्लिप करने के कारण क्वेश्चन का कुछ पार्ट मिस कर देते हैं, वहीं कंप्यूटर डिलीवर्ड में आपके ये दोनों सेक्शंस आमने सामने होते हैं, तो आप स्क्रोल बार्स को यूज करते हुए क्वेश्चन और उसका रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट आमने सामने रख सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वहां पर राइट क्लिक करके हाईलाइट या नोट्स की ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। इससे आपको कंफ्यूजन कम होती है। इसके अलावा आंसर्स को आंसर शीट पे उतारने पे भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होता, जबकि आपको सेम 60 मिनट्स सीडीआईएस में भी मिलते हैं। शायद इन्हीं कारणों की वजह से मेरे सीडीआईएस रीडिंग में ज्यादा स्कोर आए हैं पेन पेपर बेस्ड रीडिंग से। अगर आपको हमारी लिसनिंग और रीडिंग की डिटेल टेक्निक सीखनी है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं मेन टेस्ट राइटिंग पे। पेपर बेस में जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको वर्ड काउंट का ध्यान रखना और अरेंज करके दोबारा लिखना, ये दो मेन इश्यूज होते हैं। लेकिन कंप्यूटर डिलीवर्ड में जैसे मैं ये लिख रहा हूँ सेंटेंस, तो साथ साथ में वर्ड काउंट साथ साथ हो रहा है और इसी तरह मैं कितने भी वर्ड्स लिख दूं मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा शीट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप एडिटिंग ही नहीं बल्कि कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और टास्क वन और टास्क टू क्वेश्चंस में स्विच कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोई ग्रामर या वोकैबुलरी के रिलेटेड मिस्टेक्स करेक्ट नहीं की जाएंगी। टाइम बचाने के लिए आप अलग से नोटपैड मत यूज करें। आप प्लानिंग करने के लिए ये रिस्पांस के ऊपर ही दी गई जगह पे लिख सकते हैं और फिर बाद में ये वर्ड्स उठाकर रिस्पांस के अंदर भी डाल सकते हैं। अपना पोस्चर और फिंगर पोजीशंस को सही से मेंटेन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में से सीख सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज मुझे टाइपिंग की ये लगती है कि आप ग्रामरली जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी इतनी मिस्टेक्स खुद ब खुद डेली करेक्ट कर सकते हैं जितनी किसी टीचर के साथ करनी आपको मुश्किल हो सकती है। लेकिन हाँ, लॉजिक चेक करवाने के लिए तो आपको एक एक्सपर्ट टीचर की जरूरत हमेशा रहेगी। आप हमारे 1-to-1 राइटिंग फीडबैक सेशंस की जानकारी डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। दोनों सीडी आयल्स और पेन पेपर बेस्ड आयल्स में आप वाटर ब्रेक रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में ही ले सकते हैं। इनमें पहले 10 और आखिरी 10 मिनट्स को छोड़ के बीच वाले 40 मिनट में ही आप वाटर ब्रेक पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइमर स्टॉप नहीं होगा। तो इस ब्रेक को कैसे स्मार्टली यूज करना है ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। लास्ट सेक्शन स्पीकिंग का होता है। यहां डिफरेंस पेन पेपर बेस्ड या सीडीआईएस के बेस पे नहीं बल्कि टेस्ट सेंटर के बेस पे होता है। चंडीगढ़ में जहां पे पेन पेपर बेस्ड और सीडीआईएस दोनों की स्पीकिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है, वहीं लुधियाना में सीडीआईएस की स्पीकिंग भी इन पर्सन होती है, लेकिन इनमें भी मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली स्पीकिंग ज्यादा पसंद है। इसका पहला कारण हाई क्वालिटी हेडफोन और माइक्रोफोन का अवेलेबल होना है, जिससे आपको आवाज सुनने या सुनवाने में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, क्यू कार्ड सेशन में आपका टास्क कार्ड स्क्रीन पे ही रहता है और आपको जूम ऐप यूज होने के कारण टाइम की चिंता नहीं रहती, आपको वो भी विजिबल रहता है। अब मैं आपको एक किस्सा अपनी खुद की स्पीकिंग टेस्ट के साथ जुड़ा हुआ बताता हूँ। क्यू कार्ड सेशन के दौरान
मुझे कंटेंट शॉर्ट पड़ रहा था तो मैंने स्क्रीन पे देखा कि मेरा लास्ट सब क्वेश्चन अभी पेंडिंग है। मैंने फट से उसका आंसर देना शुरू कर दिया, लेकिन अगर वो टास्क कार्ड वहां पे ना अवेलेबल होता तो हो सकता है कि मेरा पॉज लंबा चला जाता और मेरे स्कोर कम आते। अभी के लिए इतना ही, और दिल से थैंक्स है कि आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिसीजन रिलेटेड टू सीडी आयल्स और पेन पेपर बेस्ड आयल्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अचीविंग योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। थैंक यू।